ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट 30th of May इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। नेशनल जुडिशियल एक कमीशन आया था NJSC 2014 के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के रिजेक्ट कर दिया था कि भाई सरकार की मनमानी जो है नहीं चलेगी इन द जुडिशियल सिस्टम। स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन होता है वो पंचायत के इलेक्शन करवाता है, इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटीज़ के भी इलेक्शन करवाता है, और ये जो स्टेट कमिश्नर होता है ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो पंचायत के इलेक्शन को आप ध्यान रखें कि स्टेट गवर्नमेंट करवाती है। बाल गंगाधर तिलक जो साहब थे उनको भी IPC के तहत, यानी कि 124A जो था वो सेडिशन यानी देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का कानून था। आज के लिए बहुत चर्चा में है क्योंकि सरकार जो है इसका दुरुपयोग कर रही है। ट्राई जो है वो एक स्टेचुरी बॉडी है और इसका 87 एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। इसके अलावा एक ट्रिब्यूनल भी बनाया गया है जहां जाकर आप इसकी शिकायत कर सकते हो। ट्राई जो होती है वो डायरेक्ट टू होम यानी DTH सर्विसेज और मोबाइल फ़ोन दोनों को कंट्रोल करती है। यानी आपको टीवी का रिचार्ज कराना है और सही नहीं हुआ है तो यू कैन गो टू दिस अपलेट ट्रिब्यूनल। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है उसमें क्या है कि कंप्यूटर को जो है इंसान का दिमाग दे दिया जाएगा और कंप्यूटर अपने आप बच्चे की तरह सीख लेगा। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है उसको आप फिजिकल डेफिसिट से निकाल लेते हो, तो लोन जो है वो आपको भारी पड़ सकता है। एट कोर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो 40% हमारे पूरे देश का बनाती हैं, और ये एट इंडस्ट्रीज जो हैं हमारे देश में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन के तहत इनको काउंट किया जाता है। OCI जो है वो 2005 के अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आया था। ध्यान रखना जब सिटीजन जो अपना बिल आया था वो 1955 में आया था, ठीक है, तो ये 2005 में आया, तो ये काफ़ी नया है। और ये जो OCI होते हैं इनको फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। प्रीएम्बल जो है उसके अंदर हमें लिबर्टी ऑफ रिलीजन प्रीएम्बल में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना। नेशनल इमरजेंसी की मैं बात करें तो प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई थी 42nd अमेंडमेंट के अंदर कि वो किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही इमरजेंसी को लगा सकता है, क्या पूरे देश में तो लगता ही है। 44th, अगर अपन 44 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल की बात करें तो इसमें एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात की गई है कि सारे सिटीजन्स के ऊपर समान कानून लगना चाहिए। स्वयं जो है वो IAS में तो नहीं, UPSC के किसी में एग्ज़ाम में उसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इंडोनेशिया जो है वो 5 आइलैंड से मिलकर के बना है, ये दोस्त देख सकते हैं आप, इसमें जावा सुमात्रा वगैरह ये सब हैं। कोल माइनिंग के अंदर भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 2015 आया है, जिसमें क्या किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो भी कोल माइनिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि पहले सिर्फ सरकार का कब्जा हुआ करता था। आज की तारीख में 100% FDI जो है कोल सेक्टर के अंदर कर दिया गया है पूरे भारत में। सो दिस इज़ आवर न्यूज़ फिनिश। थैंक यू।